हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, छोटी सी बात होगी आदित्य L1 मिशन की। आदित्य L1 मिशन जो दो सितंबर को लॉन्च हो रहा है, यह मिशन सूर्य की स्टडी करेगा। आदित्य L1 दो सितंबर शनिवार को 11:30 बजे श्री हरिकोटा से भेजा जाएगा। इस मिशन से बहुत लोगों की उम्मीद जुड़ी है। यह भारत का पहला मिशन है। इसे पहुंचने में 120 दिन लग जाएंगे। यह मिशन चंद्रयान 3 की तरह ही जाएगा। इसका रूट अलग होगा और चांद के मुकाबले इसमें ज़्यादा समय लगेगा। ये भारत का पहला मिशन है जिसे सूर्य की स्टडी करने के लिए भेजा जा रहा है। भारत ने पहले ही चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराई है। आदित्य L1 पहले 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा, फिर सूर्य की स्टडी करेगा। और दूसरी बात, G20 समिट दिल्ली में 9 सितंबर से शुरू होगी। यह दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 समिट का आयोजन किया जाएगा। G20 समिट में अमेरिका, सऊदी अरब, जापान, फ्रांस और जर्मनी सहित कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। कनाडा, ब्रिटेन और इटली के प्रधानमंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली शहर 3 दिन के लिए बंद किया जाएगा। भारतीय वायुसेना महत्वपूर्ण स्थानों पर नए एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात करने के साथ राफेल और अन्य लड़ाकू विमान को हाई अलर्ट पर रखेगी। दिल्ली शहर में काउंटर ड्रोन सिस्टम से आसमान में भी नज़र रहेगी। भारतीय सेना भी महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा के लिए अपने विशेष बलों की तैनाती करेगी। भारतीय वायुसेना ऐसी तैयारी तो 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस पर करती है। G20 बहुत बड़ी समिट है, इसलिए इसकी सुरक्षा भी ज़रूरी है।